अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कराची बिरयानी। तो ये चिकन कराची बिरयानी है जो कि बहुत ही जल्दी और ज़बरदस्ती बन के तैयार होती है। तो ये जो बिरयानी है पाकिस्तानी बिरयानी है, कराची की सबसे मशहूर डिश है और सभी इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो बिरयानी है मेरी सबसे फेवरेट है, तो फिर चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इसको हमारी तरीके से ज़रूर ट्राई करें। इस बिरयानी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 किलो प्लस हाफ किलो चिकन। आप यहाँ पर बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच जाएगी लाल मिर्च पाउडर, तो आप जितना स्पाइसी चाहते हैं उसके हिसाब से ही डालें। 1.5 चम्मच के करीब डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। इस बिरयानी को बनाने के लिए जो भी इसमें मसाले डाले जाएंगे आपने उसका फ्रेश इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच डालेंगे भुना हुआ धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच जाएगा गरम मसाला। ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला आखिर में भी थोड़ा सा डाला जाता है। 1 जायफल का पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। 5 चम्मच भर के डालेंगे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये भी आपने फ्रेश इस्तेमाल करना है, तभी इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 1/2 लीटर के ऊपर चाय का दही, जो कि बिल्कुल खट्टा वाला दही है, और आपने इस दही को अच्छे से ब्लेंड करके डाला है। 1/2 लीटर प्लस 1/2 लीटर दही का हम इस्तेमाल किए हैं। और अब इसमें डालेंगे चिकन मसाला। आपके पास चिकन का जो भी मसाला है आप इसमें 2 चम्मच के करीब डाल दें। इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन सॉल्ट, इसको डालना और 2 नींबू का रस डालना बिल्कुल बराबर है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर चिकन के पास सारे मसाले अच्छे से लग चुके हैं। इसको हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं। चिकन को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर चिकन बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें लेंगे। बिरयानी में डालने के लिए हम यहाँ पर छोटे साइज के 9 से 10 टमाटर लिए हैं, 2 बड़े साइज के नींबू हैं और यहाँ पर लेंगे आलू बुखारा। तो ये 8 से 9 आलू बुखारा है जो कि बिल्कुल खट्टे हैं और कराची बिरयानी में इस आलू बुखारे का इस्तेमाल होता है। वैसे तो यहाँ पर ड्राई आलू बुखारे का इस्तेमाल होता है लेकिन हम फ्रेश लिए हैं। 6 से 7 बड़े साइज की चॉप की हुई प्याज है, तो आप बिरयानी में प्याज जितनी चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से प्याज कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये आलू है, आलू को कट करके आपने इसे पानी में डाल के रखना है वरना वो काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आलू बुखारे को हम कट करती हैं और लेमन के आपने कुछ इस तरह के स्लाइस बना लेना है। टमाटर को भी हम चॉप किए हैं, साथ में लिए हैं हरी मिर्चें। टमाटर और आलू बुखारे को आप किसी भी तरह से कट कर सकते हैं। और यहाँ पर लेंगे कुछ खड़े गरम मसाले और ये रहा चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना। सबसे पहले यहाँ पर एक पॉट में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे खड़े मसाले और आपने इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हम 10 बड़े चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किए हैं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब इसमें से बहुत ही बेहतरीन सी महक आने लगती है। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है प्याज, अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। तो इस प्याज को आपने ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। अगर आप हमारे स्टाइल में बिरयानी के और भी रेसिपीज चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल हिनांदा किचन में मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। कुछ देर बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्के से चेंज हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पर प्याज पूरी तरह से ब्राउन हो चुकी है। थोड़ी सी प्याज को हम गार्निश के लिए निकाल रहे हैं, इसको हम दम के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिरयानी के मसाले में प्याज ज़्यादा डाली जाती है तो गार्निश के लिए हम प्याज कम निकालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा गोश्त, थोड़ा सा गोश्त डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे वरना प्याज जल जाएगी। और इसके बाद ये सारा गोश्त डाल के इसको अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर चिकन को भूनना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा भूनते जाएँ। इस कराची बिरयानी में मसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादा किस्म के मसाले इसमें नहीं डाले जाते हैं और ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आप इसको हमारी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है। इसको भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और अब डालेंगे गरम मसाला। ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला डालने से खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी आती है। कुछ देर के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब डालेंगे टमाटर के स्लाइस। तो आप यहाँ पर टमाटर को बारीक चॉप भी कर सकते हैं या फिर आप इसका पेस्ट भी बना के डालें, आपकी चॉइस है। और ये हरी मिर्चें भी डाल देते हैं।
अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस कराची बिरयानी को हम दावत के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 किलो प्लस 1/2 किलो चिकन और 2 किलो बासमती चावल से इसको बना रहे हैं। आप इस बिरयानी को इसी तरीके से कम ज़्यादा बना सकते हैं। अब इसमें हम डालते हैं आलू और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ देर के लिए आलू को अच्छे से भूनते जाएंगे, उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से गला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। जिस बॉल में हम इसको मिक्स किए थे उसको वॉश करके इसका पानी डालें ताकि मसाले वेस्ट ना हो। सबसे पहले हम इस चिकन और आलू की ग्रेवी बना के तैयार कर लेंगे, उसके बाद बिरयानी के जो चावल होते हैं उसको हम उबाल लेते हैं। आलू को आपने पानी में अच्छी तरह से डिप करना है और इसके बाद इसे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। आलू के नरम होने तक आपने इसको पकाना है, ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। तो इसे पकते हुए 10 मिनट हो रहे हैं, इसके लिड को हम हटा के चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन और आलू दोनों बहुत ही अच्छे से पक रहे हैं। अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना और इसमें डालेंगे ऑरेंज कलर। तो इस कराची बिरयानी में कलर को चिकन में ही डाल के मिक्स करते हैं, ऊपर चावल पे दम पे इसको नहीं डाला जाता है। कलर को इस चिकन में डालने से चिकन और आलू दोनों ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, जो कि बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। अब इस ग्रेवी को हम एक बड़े से बर्तन में निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह के बड़े से बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पॉट को चेंज कर रहे हैं क्योंकि चावल डालने के बाद बहुत ही ज़्यादा भर जाता है, इसलिए एक बड़े से भगोने का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चिकन और आलू से ज़्यादा भर चुका है, कलर हमें थोड़ा सा कम लग रहा था तो और हम इसमें डाल रहे हैं ताकि इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा है। कलर आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए। कलर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आलू बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, इसको और ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिरयानी के साथ और भी ज़्यादा दम हो जाते हैं, तो ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम चावल के लिए पानी लेंगे और इसमें डालेंगे 7 चम्मच भर के नमक और कुछ खड़े मसाले जाएंगे। आप जितना चावल ले रहे उसके हिसाब से नमक डालें और इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। आप यहाँ पर सिरका यानी कि विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप डालेंगे 3 चम्मच ऑयल। सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इस पानी को अच्छे से उबाल लेना है। कुछ देर बाद पानी बहुत ही अच्छे से उबल रहा है। अब इसमें डालेंगे भीगे हुए बासमती चावल। चावल को हम 15 मिनट पहले पानी में अच्छे से भिगो दिए थे। गर्म पानी में चावल डालने के बाद आपने इसे फौरन ही बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है। इस चावल को हम 10 से 15 मिनट के लिए उबाल लेंगे। तो यहाँ पर चावल को उबलते हुए 10 से 15 मिनट हो रहे हैं। अब इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसका सारा पानी अलग कर देंगे। इसी फ्लेम पे हम दोबारा से चिकन को रखते हैं और ये चिकन ग्रेवी बहुत ही अच्छे से पक रही है। अब इसके ऊपर डालेंगे उबला हुआ चावल। चावल को आपने 80% तक पकाना है, बाकी 20% वो अच्छे से दम हो जाएगा। इसको लेवल करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे आलू बुखारा और लेमन के स्लाइस। तो आप यहाँ पर आलू बुखारा अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए। और अब डालेंगे लेमन के स्लाइस। इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। तो यहाँ पर चावल की 2 लेयर बनाई जाती है, इसको भी ऊपर से अच्छे से लेवल करेंगे। और अब इसके ऊपर डालेंगे फिर से आलू बुखारा। इसके बाद रखेंगे लेमन के स्लाइस। तो आप यहाँ पर ड्राई आलू बुखारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दम पे डालेंगे फ्राई की हुई प्याज। फिर से जाएगा 1 चम्मच ऑयल। तो आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर घी भी डाल दें। इसके बाद डालेंगे गरम मसाला। इसके लिड को बंद कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। सारी चीज़ें गली हुई हैं तो हम बस चावल के दम होने का इंतज़ार करेंगे। तो इसे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसके लिड पर हम इस तरह का कपड़ा लगाए थे ताकि चावल अच्छे से दम हो जाए। माशाल्लाह यहाँ पर बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्ती महक आ रही है। और यहाँ पर ये देखिए चावल बहुत ही ज़्यादा खिले हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिरयानी के चावल साबित रहे, बिल्कुल भी ना टूटे, तो आपने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है और आप यहाँ पर एक प्लेट का इस्तेमाल करें। अभी से हम प्लेट में निकालते जाएंगे। तो आप इस कराची बिरयानी का लुक देखें, कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। सारे चावलों को आपने मिक्स नहीं करना है, आधे वाइट चावल रखें और आधे ऑरेंज। तो बस यहाँ पर तैयार है बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन कराची बिरयानी, बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनी है।
ये बिरयानी खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। ईद हो या फिर स्पेशल डे, आप इसको हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई करें और इसे इंजॉय करें। अगर आपको हमारी आज की इस कराची बिरयानी की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर हमारे चैनल हिनांदा किचन पे न्यू है, पहली बार है, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।